नागपुर शहर में 17 से 19 फरवरी तक आयोजित युवा अधिकारिता सम्मेलन का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। युवा अधिकारिता नागपुर कलेक्टर कार्यालय एवं नागपुर नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित फॉर्च्यून फाउंडेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार एवं स्वरोजगार सम्मेलन शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 फरवरी 2023 तक किया गया है। इस जॉब फेयर में विभिन्न क्षेत्रों की 100 कंपनियों ने भाग लिया। वहीं कौशल्य विकास योजना के तहत 45 कंपनियों ने यहाँ भाग लिया। इस जॉब फेयर में 5,000 से अधिक रिक्तियों पर सीधे सकाशतक के माध्यम से नियुक्तियाँ की जाएगी। इस के माध्यम से एक युवा को अधिकतम 5 कंपनियों में सकाशतक देने के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने वाले स्टॉल भी यहां लगाए गए हैं। इस रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं के कौशल्य का विकास कर उन्हें व्यवसाय में दक्ष बनाना है। वहीं अध्यक्ष अनिल सोले ने अपील की है कि इस रोजगार मेले में अधिक से अधिक संख्या में युवा शामिल हो। जो युवा इस रोजगार मेले में भाग लेना चाहते हैं वो यहाँ जरूर प्रवेश करे। आज सामान्य मुलगा देखील किंवा मुलगी देखील या स्टार्टअपच्या माध्यमातून एक मोठं परिवर्तन करू शकते। परवा ज्यावेळी माननीय पंतप्रधान नागपूरला मेट्रोचं उद्घाटन करायला आले आणि मेट्रोमध्ये त्यांनी काही लोकल स्टार्टअपशी चर्चा केली, त्यावेळी तिथे एक स्टार्टअप होता, आपले लोकल लोक होते, त्यांनी सांगितलं की हल्दीरामसारखे जो उद्योग आहे जो 100 देशांमध्ये एक्सपोर्ट करतो याची सगळी मशिनरी ही इम्पोर्टेड होऊन यायची, आता ती सगळी मशिनरी नागपूरचा एक स्टार्टअप तयार करतो आहे आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन तर आपलं वास्तवच आहे पण आपल्या युवांना नोकरी देखील मिळते आहे, रोजगारही मिळतो आहे। त्यामुळे हा जो काही एक बदल आहे हा आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। आज ह्या ज्या एवढ्या कंपन्या या ठिकाणी आल्या आहेत या सगळ्या कंपन्या लोकं हायर करू शकतात, याचं कारण काय आहे? याचं कारण आहे डिमांड आहे। आणि यूथ एम्पावरमेंट समिट काय करते तर आज साधारणपणे कंपन्यांना आपण विचारलं की तुमची अडचण काय आहे तर ते म्हणतात की आमच्या इथे जॉब्स आहेत पण त्या जॉब्स लायक लोक नाही आहेत। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोहोळ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।